हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल फैक्ट्स लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है छिपकली की कटी पूंछ कुछ देर तक झटपटाती क्यों रहती है? नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। छिपकली की पूंछ अब उसके शरीर का सबसे जरूरी अंग होता है। जरा भी खतरे का आभास होने या छूने पर छिपकली अपनी पूंछ को त्याग देती है। मतलब जब छिपकली का शत्रु उस पर हमला करता है तो वह अपनी पूंछ के मेरुदंड का विभाजन कर अपनी पूंछ को शरीर से अलग कर देती है और उसे हिलती हुई अवस्था में छोड़ देती है। और उसकी हिलती हुई पूंछ को देखकर उसका शत्रु यही समझता है कि वह उसके सामने है। इसी बीच वह अपनी जान बचाकर भाग जाती है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों आपने चमगादड़ को उल्टा लटके हुए देखा ही होगा। क्या आपको पता है चमगादड़ उल्टे क्यों लटके रहते हैं? इसका कारण यह है कि उल्टे लटके रहने से वो आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि उनके पंख भरपूर उठान देने में असमर्थ होते हैं और उनके पीछे के पैर अविकसित होते हैं, जिसके कारण वो दौड़कर भी उड़ान नहीं भर सकते। इसी कारण चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों आपने कभी न कभी तितली को तो पकड़ा ही होगा, तो आपने यह भी देखा होगा कि उसके पंखों पर पाउडर जैसा कुछ पदार्थ लगा होता है। क्या आपको पता है यह पाउडर क्या होते हैं? नहीं तो चलिए हम बता। तितली के पंख बड़ी महीन झिल्ली से बने हुए जिनमें बारीक नसों का जाल सा होता है। ये महीन झिल्लियाँ नन्ही नन्ही पपड़ियों से भरी हुई होती है। हर पपड़ी एक कोशिका का विस्तार करती है। जब आप तितली को पंख से पकड़ते हैं तो जो पाउडर आपके हाथों में लगता है वो ये पपड़ियाँ ही होती है। इसके दो उपयोग हैं, पहला कि ये पंखों को रंग प्रदान करता है और दूसरा उनकी रक्षा करता है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है एक कॉकरोच बिना सर के एक सप्ताह या उससे ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है क्योंकि उसे सांस लेने के लिए अपने सर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इनका परिसंचरण तंत्र खुला होता है। वे अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं, इसलिए दोस्तों कॉकरोच बिना सिर के इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों आपने ये आवाज़ तो सुनी ही होगी, यह आवाज़ झिंगूर की होती है। आपको पता है झिंगूर ऐसी आवाज़ें क्यों और कैसे निकालता है? जब नर झिंगूर अपने पैरों को आपस में तेजी से रगड़ता है तो यह आवाज़ निकलती है, जिससे मादा झिंगूर उसकी ओर आकर्षित होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी? वीडियो को लाइक शेयर करें।